आगे बढ़ते हैं। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब बाकी है तो पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना, जिसमें भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट लगभग फाइनल मानी जा रही है। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इशारों इशारों में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द से जल्द करने की बात कही है। साथ ही मदन कौशिक ने इस बात के भी संकेत दे दिए हैं कि इस बार 10 से 12 बड़े नेता ऐसे होंगे जिनके टिकट भी कट सकते हैं, इसलिए भी लगातार मंथन में वक्त लग रहा है। ये कहा जा रहा है कि बस कुछ ही देर का इंतजार करना बाकी रह गया है, जल्द ही लिस्ट आ जाएगी। 11 तारीख तक सारी रिपोर्टें आ जाएंगी, उसके बाद हम उन रिपोर्टों के आधार पर अन्य जो हमारे और पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर तैयार करके केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजा जाएगा। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड फिर उस पर अपनी मोहर लगाएगी, तब उसके बाद डिक्लेयर होंगे। तो हो सकता है कि जनवरी के इसी सप्ताह में, यानी जो 21 वाला सप्ताह पड़ेगा, उसमें डिक्लेयर हो जाएंगे। अब देखिए, उत्तराखंड चुनाव की दहलीज पर इस वक्त खड़ा है। कोरोना की पाबंदियों के बीच इस बार चुनावी प्रचार वर्चुअल हो रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां खुद को सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बेहतर बताने में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। कोरोना के खौफ के बीच चुनाव का ऐलान हुआ, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव ठीक तरीके से संपन्न हो पाएगा। जब वहाँ उत्तराखंड गए थे तो जो वहाँ की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने भी संज्ञान में लाए और इसको कैसे किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों और गैदरिंग पर पाबंदी लगाई है। राजनीतिक दलों को अब वर्चुअल माध्यम से ही अपने कार्यक्रम करने होंगे। भाजपा महिला मोर्चा ने भी इसके लिए रणनीति बना ली है। सोशल मीडिया और मीडिया को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इम्पोर्टेंस दी है, तो भारतीय जनता पार्टी को मीडिया के, सोशल मीडिया के मामले में तो मुझे नहीं लगता कोई भी आसपास आ सकता है, क्योंकि हम आज के हालात को लेकर नहीं, शुरू से ही निरंतर जब से मोदी जी आए काम चल रहा है, लगातार चल रहा है। उत्तराखंड में अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी का भी सोशल मीडिया पर पूरा फोकस है। आम आदमी पार्टी भी पढ़े लिखों की पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी खुद ही इंजीनियर है, तो पार्टी में ये जो ITNs हैं वो इसके वॉलंटियर्स हैं, या विदेश से जो सीख करके आ रखे हैं वो लोग इस पार्टी के संगठन में जो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, तो ये पार्टी का तो एक कैंपेनिंग का तरीका ही अच्छा। मगर बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर कंट्रोल करना प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इससे पार्टियों को फायदा तो होगा मगर इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। का फायदा सबसे ज्यादा पार्टियों को ये मिलने वाला है कि चुनावी रैलियों में आम जनता नहीं पहुंच पाती थी, मतलब जो घरेलू कामकाज के लोग हैं वो अब रैलियों तक नहीं पहुंच पाते थे, पर इस बार क्या होगा कि सोशल मीडिया हर किसी के 90% लोगों के पास लगभग सोशल मीडिया है, तो वो लोग सोशल मीडिया पे चुनावी पार्टियां जुड़ सकती हैं। इसका नुकसान ये है कि जो हमारा एक एज, मतलब जो हम कहते हैं हमारे बुजुर्ग वोटर हैं, उन तक कैसे सोशल मीडिया के जरिए पहुँचते हैं, कैसे पार्टियाँ पहुँचती हैं, ये देखने वाली बात है। कोरोना संक्रमण के बीच सोशल मीडिया टूल्स किस पार्टी के लिए कितना वरदान बनेंगे ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल सभी पार्टियों के पास विकल्प सोशल मीडिया का ही है। अब इसी विकल्प के साथ राजनीतिक दल अपनी रणनीति बना रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कोठियाल ने कहा है कि सीएम का फेस घोषित करने में आप सबसे अव्वल है, जबकि भाजपा और कांग्रेस में अभी भी इस पर मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी ने पहले घोषित कर रखा है, अब आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाकर के अच्छे तरीके से समझा रही है कि किस प्रकार से हमने जो कैंपेन्स करे हैं, चाहे वो 200-300 यूनिट बिजली का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे वो कैंपेन हो आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड को कैसे बनाएंगे, चाहे महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण करा जाएगा, 1,000 रुपये पर मंथ हर 18 साल से ऊपर की महिला के अकाउंट में भेजेंगे, ये सारे के सारे जो स्कीम्स हैं वो बताने के साथ में, इस बार जो इलेक्शन है वो उत्तराखंड में सरकार बनाने का नहीं है, इस बार इलेक्शन है उत्तराखंड को इन BJP और कांग्रेस ने जो बुरी तरह से तोड़ दिया है उस टूटे हुए उत्तराखंड को दोबारा से बचा करके नवनिर्माण करने का।